तो गाइस, क्या आप घर बैठे 30,000 रुपये पर मंथ अर्निंग करना चाहते हो? अपने फ़ोन में 2-4 घंटा वर्क करके 30,000 रुपये पर मंथ का कमाना चाहते हो? तो आज के वीडियो को पूरा देखो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जहाँ से आप 30,000 रुपये पर मंथ निकालोगे, सिर्फ 2-4 घंटा वर्क करोगे, फुली वर्क फ्रॉम होम में, बेस्ट पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट के लिए होने वाला ये वीडियो, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ही ईजिली यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, अपने टाइम को फिक्स करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2-4 घंटा वर्क कर सकते हो एंड उसके बदले में आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। महीने का 30,000 रुपये ईजिली आप इस प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हो। 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म लेके आए हूँ आपके लिए, इंडिया का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप सबको भी पता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, आगे मैं बताऊँगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ईजिली जॉब मिलेगा वो सभी के लिए एकदम प्रॉफिट है, ठीक है, जहाँ से आप ईजिली वर्क कर सकते हो और ईजिली यहाँ पर अर्न कर सकते हो 30,000 रुपये पर मंथ अप टू, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखो, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना। तो गाइज, आज मैं जो आपको प्लेटफॉर्म दूंगा उस प्लेटफॉर्म का नाम है सिंपली पेटीएम, ठीक है। पेटीएम की तरफ से एक कमाल का जॉब निकला है जहां पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जब आपके पास टाइम हो उसी टाइम पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस पेज पे एंड पेज का इंटरफेस कुछ देख सकते हो। पेटीएम की तरफ से ये जो जॉब निकला है एकदम कमाल का जॉब निकला है जहाँ पे आपको अर्निंग करने का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न विद पेटीएम, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कमाल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पेटीएम के साथ अर्निंग करने का। यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वीकॉम पेटीएम सर्विस एजेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रोल मिलेगा यानी कि जो आपका वर्क का पोस्ट है वो पोस्ट का नेम है पेटीएम सर्विस एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो आप अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पे देख दो, बैन टू अर्न अप टू 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आप निकाल सकते हो, इन एक्स्ट्रा इनकम भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है, देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मेक इट अ फुल टाइम जॉब एंड पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, फ्लेक्सी टाइम जब आप यहाँ पे जो भी आपका टाइम यहाँ पे आप फ्लेक्स कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कहा है कि जो भी आप अर्निंग करोगे पेटीएम सर्विस एजेंट के रोल में यहाँ पे करोगे, पेटीएम सर्विस एजेंट यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे देख तो, ठीक है, फॉर एवरी ऑन लुकिंग एट अर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे मनी विथ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो गाइज, यहाँ पे जो आपको वर्क मिलेगा पेटीएम एजेंट का, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको जो काम कैसे करना है वो मैं बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे आप काम करोगे, अप्लाई कैसे करोगे, ए टू जेड सब कुछ बताऊँगा। खाली मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो इनका मेन इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इनकी जो भी गाइडलाइन यहाँ पे दिया है, ठीक है। आपको पता है पेटीएम इंडिया का एकदम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं होता, ये जो है एकदम रियल प्लेटफॉर्म है, रियल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, पेटीएम आजकल सभी के फ़ोन में होता है, आपको पता है पेटीएम ऐप सभी यूज़ करते हैं एंड आपके पेटीएम अकाउंट में ही जो भी आपका अर्निंग होगा मंथली अर्निंग वो आपके पेटीएम अकाउंट में ही जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फेक वाली या कोई झूठ वाली वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है। जो वीडियो है एकदम रियल वीडियो, जो जॉब निकला एकदम रियल जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है जो भी इनका डिटेल है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप घर बैठे वर्क करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो एकदम बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी टाइम मिल रहा है उसी टाइम को आप यहाँ पे फिक्स करके वर्क कर सकते हो, 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड यहाँ पे आपको एक आइकन शो रहा है देख सकते हो वॉच वीडियो का, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को भी देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्क क्या करना होगा मैं अभी वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा यहाँ पे जो वर्क है वो आपको करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है सेल पेटीएम प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको दो तरीके का वर्क मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो पेटीएम का ये जो प्रोडक्ट है इनको आपको सेल करना होगा, वो कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे ऑल इन वन क्यूआर कोड पेटीएम साउंड बॉक्स एंड पेटीएम ईडीसी कार्ड मशीन, ठीक है। तो आपने देखा होगा आजकल कि ऑनलाइन सभी के दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, जैसा कि क्यूआर कोड के जरिए आपको अपने कई दुकानों में देखा होगा कि पेटीएम का क्यूआर कोड लगा है, गूगल पे का लगा है, फ़ोनपे का लगा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको क्यूआर कोड का यहाँ पे वर्क मिलेगा, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस गांव में रहते हो, ठीक है, वहां पे आप दुकानों में जाके आप क्या कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मैं आपके दुकान पे QR कोड लगा दूंगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, एक ही झटके में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और यहाँ पे एक ही तुरंत से मतलब ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा, मैं आपको QR कोड लगा दूंगा। तो आपको वहाँ पे जो काम मिलेगा वो बेसिकली आपको QR कोड लगाना होगा, यही ये जो QR कोड शो कर रहा है इसी QR कोड को आपको वहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल आपको पेटीएम की सर्विस जो एजेंट है उनके थ्रू आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे QR कोड लगाना होगा, ये QR कोड आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये जो QR कोड है ना ये QR कोड आपको पेटीएम की तरफ से, जो भी आप अपने पेटीएम में एड्रेस दिए होंगे उसी एड्रेस में आपको ये QR कोड आपको सेंड कर दिया जाएगा एंड आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आपको दुकानों में जो भी स्टोर है, बड़े बड़े स्टोर है आपके गांव सिटी में, उन सिटी में जाके आपको QR कोड या इसे बोल के उनको बोल के आप QR कोड लगाओगे एंड उनके थ्रू पर QR कोड में आपको यहाँ पे जो कमीशन 100 रुपये 150 यानी कि 100 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, ऐसे आपको पर QR कोड में आपको कमीशन मिलेगा। एंड जैसे जैसे उस QR कोड के थ्रू जैसे ऑनलाइन वो पेमेंट लेता रहेगा, जिस भी दुकान में आपने QR कोड लगाया उस QR कोड के थ्रू जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा उनके थ्रू भी आपको वहाँ पे कमीशन आता रहेगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो इनका वर्क करना पड़ता है एंड ऐसे आपको यहाँ पे अर्निंग होगा। एंड उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखें तो यहाँ पे आपके सामने सेकंड जो अर्निंग का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे मूवीज़, मोबाइल प्रीपेड, केबल टीवी, यहाँ पे ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, बस, DTS, ठीक है, फ्लाइट, लोन, इंश्योरेंस, बैंक, ठीक है। इन सब का अगर आपको नॉलेज है, इंटरेस्ट है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, अगर आपने फ़ोन से आपके आसपास में आप अपना खुद का तो फ़ोन रिचार्ज करते ही होंगे या फिर घर में या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके फ़ोन को रिचार्ज करते होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रिचार्ज के थ्रू भी अर्निंग करना चाहते हो, जैसे पहले टाइम में जैसे हम दुकानों में जाते थे रिचार्ज कराने के लिए, ठीक है, रिचार्ज कराने के लिए, सेम आप भी रिचार्ज करा सकते हो अपने आसपास में जो भी गाँव में या फिर सिटी में रहते हो, तो उनको बता सकते हो कि मैं रिचार्ज करा दूंगा या फिर मुझसे आप दुकानों में ना जाओ। आपको पता है कि आजकल सभी ऑनलाइन अपने फ़ोन से रिचार्ज करा लेते हैं, तो अगर आप अपने घर वालों के फ़ोन का रिचार्ज अपने फ़ोन से कराओगे अपने फ़ोन से तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रिचार्ज का यहाँ पे आपको 10 रुपये 15 रुपये यानी कि 10 रुपये 50 रुपीज़ ऐसे करके आपको यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ट्रेन का अगर अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने पे कर दिया तो वहाँ पे भी आपको कमीशन मिलेगा। एंड यहाँ पे जो इंटरफेस आप देख रहे हो इन सब में अगर आपने यहाँ पे जो भी काम करते हो, इन सब जो भी कैटेगरी दिया है इन कैटेगरी में अगर आप काम करते हो तो आपको इनके थ्रू जो कमीशन है वो अर्निंग है वो आपके अकाउंट में सीधा आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही काम है पेटीएम में, आपको यही काम करना पड़ता है। दो ऑप्शन आपको मिल रहा है जहाँ से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। दोनों में जो अच्छा लगे आप वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई का बटन दिख रहा है, अप्लाई कर सकते हो। एंड नीचे यहाँ पे जो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर मोबाइल रिचार्ज का यहाँ पे वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे अप्लाई का ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो वर्क करना है वो सिंपली मैं मोबाइल रिचार्ज का करूँगा, क्योंकि मेरे घर में जो भी फ़ोन का रिचार्ज है मैं अपने फ़ोन से करता हूँ, मेरा खुद का रिचार्ज भी मैं अपने फ़ोन से ही करता हूँ एंड आस पड़ोस के जो भी लोग आते मुझसे रिचार्ज करवाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिचार्ज के लिए अप्लाई करूँगा, आपको जो अच्छा लगे अप्लाई करोगे एंड उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अगर आपके पास पेटीएम इंस्टॉल है तो वो आ जाएगा एंड उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको पेटीएम को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइज पेटीएम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख तो लिखा है आपके सामने फिल अप दिस फॉर्म टू बिकम अ पेटीएम सर्विस एजेंट, ठीक है। दोनों के लिए आपको सेम फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अगर आप रिचार्ज के थ्रू वर्क करना चाहते हो तो रिचार्ज के लिए आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे QR कोड का वर्क करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे सेम फॉर्म को फिल कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जो डिटेल है बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे वही आपको डालना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली आप जो मैं मोबाइल रिचार्ज का वर्क करना चाहते हो तो अगर आप यही करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे सिंपली मैं जो ये फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे जो भी डिटेल है वो यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे नेम आपको डालना होगा, उसके बाद स्टेट, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, बेसिक सा डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो भी पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे जो भी आपका
मोबाइल नंबर पूछ रहा है एंड यहाँ पे जो आपका टाइम है किस टाइम पे आप वर्क करना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में जो आपको पूछ रहा है कि आपको जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में किसके थ्रू पता चला, गूगल से पता चला, अपने फैमिली दोस्त से पता चला, एडवर्टाइज़र से पता चला, वो पूछ सकता है, तो वो सिंपली आपको डालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर नेम मैं अपना डाल देता हूँ, यहाँ पर जो भी नेम है मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया, मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, स्टेट यहाँ पे डाल दिया उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, सिटी में डाल देता हूँ, आप अपना सिटी यहाँ पे डाल देना, पिन कोड में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है वो क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे 10th अगर पास हो, 12th पास हो, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपके पास बेसिकली जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो इन चारों में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12th पास हूँ तो मैं 12th पास यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, यहाँ पे 25 जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो गाइस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दिया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन है, डू यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन, तो यस आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, तो आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो यहाँ पे यस कर दोगे। और उसके बाद यहाँ पे चूज़ आ यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, जो भी आपका टाइम है यहाँ पे वो टाइम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ठीक है, तो जो भी आप टाइम है वो टाइम आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो सैटरडे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हाउ डिड यू हेयर, ठीक है, आपने कहाँ से इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको मालूम पड़ा, ठीक है, यहाँ पे गूगल से मालूम पड़ा, या फिर आपको सोशल मीडिया से, या फिर एडवर्टाइज़र से, या फिर फैमिली और फ्रेंड से। तो मुझे ये जो मालूम पड़ा वो सिंपली आप बोल देना कि फैमिली या फ्रेंड से, या फिर सोशल मीडिया से, या फिर गूगल से, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे डाल दूँगा फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। डालने के बाद सिंपली जो भी आपका डिटेल है सब कुछ डालने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, वी विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज वी रिव्यू योर डिटेल्स, ठीक है, आपका डिटेल जो भी डिटेल आपने डाला वो जल्दी रिव्यू करेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपली इसी तरह आपको भी यहाँ पे फॉर्म को फिल करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा जॉब के लिए। बेस्ट वर्क फ्रॉम होम होने वाला है और पार्ट टाइम जॉब होने वाला है, स्टूडेंट के लिए तो एकदम बेस्ट है, आप यहाँ पे घर बैठे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अगर आपको क्यूआर कोड का यहाँ पे वर्क करना है दुकानों में जाके, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सेम मेथड में अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे अनदर रिस्पांस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप सबमिट, फिर से आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत भर दिया फॉर्म में, मुझे दोबारा से भरना है, तो आप यहाँ पे दोबारा से भर सकते हो। और उसके बाद आप जो भी यहाँ पे वर्क कर सकते हो, यहाँ पे पेमेंट का टेंशन मतलब पेटीएम आपको पता है कितना बड़ी कंपनी है, ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी है पेटीएम, और इंडिया का बेस्ट यहाँ पे पेटीएम पहले ही आया जो ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट करता था, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम ही सबसे पहले आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अपने फ़ोन से घर बैठे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, इसी चैनल में आपको ऑनलाइन अर्निंग पार्ट टाइम जॉब का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रख देना एंड नीचे कमेंट करो कि अगर आपको चाहिए कि क्यूआर कोड का वर्क कैसे करोगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यूआर कोड का वर्क कैसे करना पड़ता है, ठीक है। कमेंट करो, मैं वो वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा कि क्यूआर कोड का वर्क कैसे करते हैं और कैसे आपको यहाँ पे जो दुकानों में जाके क्यूआर कोड का वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस यार यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।